हेलो एवरीवन, आज हम अपनी नई एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं, सेल्फ प्रैक्टिस 7D। उसका फर्स्ट क्वेश्चन, सबसे पहले हमें क्वेश्चन रीड करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन को रीड करेंगे, इस क्वेश्चन में हमें ये कह रहा है कि हम हर साइड में, ईच साइड यानी LHS और RHS साइड में क्या करें जिससे हमारे पास इक्वेशन सोल्व हो जाए, मतलब हमारे पास जो भी वेरिएबल दे रखा होगा उसकी वैल्यू आ जाए। अब हमारे पास ABCD पार्ट आपको नज़र आ रहे हैं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल से समझाना चाहूँगी इस चीज़ को। एक एग्जांपल लेते हैं, मैंने लिखा a+5 = 10 है। अब हमें निकालनी है वैल्यू एक टाइप से वेरिएबल के। इस वाले फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सोल्व करके नहीं दिखाना है, सिर्फ आपको ये बताना है कि दोनों साइड में हम क्या करेंगे। देखो वेरिएबल के साथ में आपके पास, देखो वेरिएबल के बाद में और कांस्टेंट टर्म के बीच में आपको प्लस का साइन लग रहा है, प्लस का साइन है, तो प्लस का साइन नज़र आ रहा है। प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है हमें पता है, प्लस का अपोजिट साइन क्या होता है, माइनस। तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड में, दोनों साइड से हम माइनस कर देंगे। किसको माइनस करेंगे, वही कांस्टेंट टर्म जिसको, देखो कांस्टेंट टर्म प्लस की 5 है, तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, -5 करेंगे। अब इसको मैं सिर्फ आपको सोल्व करके दिखाती हूँ। देखो a+5 है, मैंने LHS में भी -5 कर दिया, RHS में 10 था उसमें से भी -5 कर दिया। अब यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो गए, तो सीधा सीधा आपकी a की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे a = क्या हो गया, 5। अब हमें ना कुछ इक्वेशंस को सोल्व नहीं करना है, सिर्फ हमें ये बताना है, जैसे a+5 = 10 था, तो सिंपल क्वेश्चन में ये पूछा है भाई a को सोल्व करने, a की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे। तो हम क्या लिखेंगे कि सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड, ठीक है। अब अगर आपके पास यहाँ पे a की बजाय, जैसे देखो यहाँ पे अगर मैंने यहाँ पे क्या लिया था, अभी a+5 लिया था ना, अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ a-5 = 10। मैंने साइन चेंज कर दिया, मैंने अभी आपको बताया माइनस का अगेन अपोजिट क्या होगा, प्लस। तो हम दोनों साइड में क्या करेंगे, a-5 तो लिखेंगे ही, प्लस का 5 = RHS साइड में भी क्या करेंगे, 10 प्लस का 5। अब आपके पास क्या हुआ, अगेन प्लस माइनस कैंसिल हो गए, अब आपकी वैल्यू ए की क्या आ गई यहाँ पे, 15। तो आपने इसमें क्या किया, ऐड किया ना आपने, एडिंग ऐड 5 बोथ साइड। अब एक बार और समझते हैं मल्टीप्लाई का और डिवीजन का। अब मैंने एग्जांपल लिया 15a = 30। अब पहली बात आप देखो, 15a का मतलब क्या है कि भाई 15 मल्टीप्लाई है हमारा a से, = 30। अब हम इस इक्वेशन में क्या करें, आपको कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल के बीच में क्या नज़र आ रहा है, यहाँ पे मल्टीप्लाई नज़र आ रहा है, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है, डिवाइड। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडिंग बोथ साइड, जो कांस्टेंट टर्म वेरिएबल के साथ होते हैं ना वो लिखते हैं हम। तो हम क्या लिखेंगे, जैसे 15a तो था ही, हम क्या करेंगे, डिवाइड बाय 15 बोथ साइड, 15 से डिवाइड कर दिया, RHS में भी 30 था ही, 15 से डिवाइड कर दिया। अब क्या हुआ, 15 से 15 कट गया, 15 1 = 15, 15 2 = 30, तो a = क्या आ गया, 2। इट मीन्स हम क्या करेंगे क्वेश्चन पे, अगर सिर्फ हमें बताना है तो हम क्या लिखेंगे कि डिवाइडिंग 15 बोथ साइड। अब डिवाइड का एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे a/7 = 3 है। अब इसमें हम क्या करें, अब डिवाइड का अपोजिट साइन क्या होता है, प्लस, सॉरी मल्टीप्लाई, तो a/7 है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, देखो जो कांस्टेंट टर्म डिवाइड में क्या है, 7, तो हम क्या करेंगे, 7 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करते हैं। अब क्या होगा, का 7 से 7 रिड्यूस हो जाएगा, यहाँ से a की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 21 आ गई। इट मीन्स आप, अगर आपको लिखना है तो आप सिंपल क्या लिखोगे, मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड। अब आपको सारा समझ में आ गया होगा, अब अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सॉल्व करना। अब a पार्ट देखो, a में क्या दे रखा है, 7 = a-10। अब वेरिएबल और कांस्टेंट टर्म के बीच में माइनस का साइन है, तो आप सिंपल क्या लिख दोगे, ब्लैंक में आपका क्या आएगा, एड 10 बोथ साइड, ठीक है, एड 10 बोथ साइड, क्योंकि कांस्टेंट टर्म वही लेनी है। अब दूसरा बी पार्ट करते हैं, -2 + x = 15 है। तो अब हम क्या करेंगे, देखो माइनस का 2 है ना, तो अब इसमें भी हम क्या करेंगे, एड, माइनस का अपोजिट क्या होता है, प्लस, यानी एड 2 बोथ साइड। सी पार्ट करते हैं, सी पार्ट में हमें दे रखा है -20 = m+5 दे रखा है, तो m और 5 के बीच में प्लस का साइन है, और प्लस का अपोजिट क्या होता है, सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड। अब डी पार्ट करते हैं, डी पार्ट में हमें दे रखा है 3n = 12, तो 3n मतलब मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का अपोजिट मैंने अभी आपको बताया था डिवाइड होता है, तो डिवाइड 3 बोथ साइड।
अब ई पार्ट करते हैं। ई पार्ट में देखो 8 इज इक्वल टू 2y है, 2 और y मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, तो आप क्या लिखोगे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड। ठीक है, एफ पार्ट करते हैं 1/7 q, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई देखो, 1 को q से मल्टीप्लाई करोगे तो q अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 है। अब आपको इक्वेशन समझ आ गई होगी, देखो यहाँ पे q और 7 यानी कॉन्स्टेंट टर्म और वेरिएबल क्या है डिवाइड में, डिवाइड का अपोजिट क्या होता है मल्टीप्लाई, तो आप सिंपल क्या लिखोगे मल्टीप्लाई बाय 7। क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में हमें क्या करना है, फर्स्ट जो फर्स्ट क्वेश्चन में जितने भी इक्वेशंस थी वहाँ से हमें वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ए पार्ट करते हैं। ए पार्ट में हमें दे रखा है 7 इज इक्वल टू ए माइनस 10, इसमें क्या है देखो इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे तो ए का अपोज ए माइनस 10 यानी कॉन्स्टेंट और वेरिएबल के बीच में माइनस का साइन है, तो हम क्या लिखेंगे इसका अपोजिट एड 10 बोथ साइड। तो क्या हो गया 7 + 10 इज इक्वल टू ए माइनस 10 तो था ही, इस तरफ भी हम क्या करेंगे 10 को प्लस कर देंगे। अब यहाँ पे क्या हो गया प्लस माइनस 10 कैंसिल हो गया और 7 में 10 को प्लस करेंगे हमारे पास क्या आएगा 17, तो इज इक्वल टू ए यानी ए की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 17। बी पार्ट करते हैं। बी पार्ट में हमें क्या करना है, अब की बार हमारे पास एक्स वेरिएबल है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अब देखो कॉन्स्टेंट टर्म और अब ये जो है इसको पहले हम थोड़ा सा रीअरेंज करके लिखते हैं, एक्स को आगे लिख लो आप माइनस 2 को पीछे। अब आपको समझ में आ गया होगा कि वेरिएबल और कॉन्स्टेंट टर्म के बीच में कौन सा साइन है, कौन सा साइन है माइनस का, तो माइनस का इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे तो माइनस का अपोजिट क्या होता है एड, तो आप क्या लिखोगे एड 2 बोथ साइड, क्योंकि कॉन्स्टेंट टर्म क्या है एक्स के साथ में 2 ही है, तो आपके पास क्या आ गया x माइनस 2 था ही, आपने प्लस का 2 लिखा इज इक्वल टू आर एच एस में भी 15 प्लस में 2। अब माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो गए तो आपके पास क्या आ गया x इज इक्वल टू 15 में 2 ऐड करेंगे 17, यानी x की वैल्यू क्या आ गई है आपकी 17। सी पार्ट करते हैं। सी पार्ट में हमें क्या दे रखा माइनस 20 इज इक्वल टू एम प्लस 5। अब यहाँ पे सबसे पहले आप देखो वेरिएबल और कॉन्स्टेंट के बीच में कौन सा साइन है प्लस का, तो इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे मतलब इसका अपोजिट साइन क्या लेंगे माइनस, तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 5 बोथ साइड। माइनस 20 था ही, अब क्या करोगे माइनस का 5 इज इक्वल टू आर एच एस में एम प्लस 5 था ही माइनस 5 लिखेंगे। अब प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल, तो यहाँ से माइनस के 20 में माइनस का 5 ऐड करेंगे माइनस का 25 इज इक्वल टू एम, तो एम की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है माइनस का 25। डी पार्ट करते हैं। डी पार्ट में क्या दे रखा है 3n इज इक्वल टू 12, मतलब 3n का मतलब क्या हुआ 3 मल्टीप्लाई n से इज इक्वल टू 12। अब इनवर्स ऑपरेशन लगाएंगे, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड, तो आप लिखोगे डिवाइड बाय 3 बोथ साइड्स। तो 3n अपॉन में 3 इज इक्वल टू आर एच एस में भी क्या आ गया 12 अपॉन में 3। अब यहाँ पे देखो 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, यानी n की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4, ये आ गया आपका आंसर। ई पार्ट में क्या दे रखा है 8 इज इक्वल टू 2y, पहले इसको थोड़ा सा सिंपल करेंगे, 8 इज इक्वल टू 2y का मतलब है 2 मल्टीप्लाई है वाई से। अब इनवर्स ऑपरेशन लगाएं, मल्टीप्लाई का अपोजिट क्या होता है डिवाइड और कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 2, तो हम क्या करेंगे डिवाइड बाय 2 बोथ साइड्स, तो आपके पास क्या आएगा 8 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 2y अपॉन में 2। अब क्या होगा 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8, तो इट मीन्स y की वैल्यू आपके पास क्या आ गई है 4, ये आ गया आपका आंसर। f पार्ट करते हैं। f पार्ट में मैं क्या दे रखा 1/7 q इज इक्वल टू 3, सबसे पहले इसका मतलब ये है कि ये आपका 1/7 मल्टीप्लाई है q से इज इक्वल टू 3,
इसमें आपका क्या होगा, देखो इसको एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं, क्यू को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्यू अपॉन 7 इज इक्वल टू 3 आ गया। अब आपको नज़र आ रहा होगा कि क्यू 7 के साथ किस में, डिवाइड में है, तो डिवाइड का अपोजिट क्या होता है इन्वर्स ऑपरेशन के हिसाब से, मल्टीप्लाई। तो हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 7 बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा आपके पास, q अपॉन में 7 मल्टीप्लाई 7 इज इक्वल टू आर एच एस में भी 3 मल्टीप्लाई 7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और q की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, q इज इक्वल टू 7 3 जा 21, ये आ गया आपका आंसर।